चलिए क्लोज टेस्ट शुरू करते हैं। देखिए क्लोज टेस्ट में हर कोई बोलता है कि पूरे पैसेज को पढ़ के पूरा अर्थ समझो उसके बाद करो। मेरे को कहीं लगता है कि इससे कहीं है कि आप एक एक लाइन पढ़ के एक एक लाइन को ठीक ठाक करके हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा समय कम लगता है। तो चलिए हम आज वैसे ही शुरू करते हैं, क्योंकि 10 मैं करूंगा 10 आप करेंगे। पेट्रोलियम इज द नेम ऑफ द ऑयल, पेट्रोलियम इज नेम ऑफ द, देखो रिफाइंड ऑयल, पेट्रोलियम इंजन ऑयल, मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम इज द नेम ऑफ द मिनरल ऑयल या रिफाइंड ऑयल। पेट्रोलियम तो पहले जमीन से निकाला जाता है ना, तो फिर रिफाइंड कुकिंग ऑयल तो होगा नहीं, पेट्रोल कुक से खाना तो नहीं पकता है। इंजन ऑयल नहीं, पेट्रोलियम से बहुत कुछ बनता है, तो इंजन ऑयल खाली इंजन में नहीं लगता है, बहुत जगह में लगता है, तो इंजन में नहीं करूंगा। अब आ गया रिफाइंड ऑयल, लेकिन जमीन से जब निकलता है रिफाइंड थोड़े होगा यार, तो हम पेट्रोलियम इज द नेम ऑफ द मिनरल ऑयल, खनिज ऑयल दैट्स कम्स फ्रॉम, अब 397 में देखो इन, कम्स फ्रॉम इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड नहीं अंडर, ये कहीं सही लग रहा है, अंडर द ग्राउंड होगा। तो हमने हम पढ़ते हैं अब आगे, पेट्रोलियम इज द नेम ऑफ द मिनरल ऑयल दैट्स कम्स फ्रॉम अंडर द ग्राउंड एंड फ्रॉम द ऑयल वेल्स, फ्रॉम द क्रूड ऑयल वी गेट वेरियस। अच्छा तो क्रूड ऑयल बोला है तो शायद मेरा 396 में जो हमने बोला हुआ था मिनरल ऑयल वो शायद सही है। फ्रॉम दिस क्रूड ऑयल वी गेट द वेरियस 398 वेरियस फ्यूल्स, वेरियस लिक्विड्स, वेरियस स्पिरिट्स, वेरियस गैसेस, फ्यूल्स होना चाहिए पेट्रोलियम में क्या, देखते हैं आगे क्या बोलता है। दैट ड्राइव शिप, हाँ 398 में फ्यूल से होगा, क्योंकि फ्यूल मतलब है जिसको देने से शिप चलता है, एयरक्राफ्ट मतलब एरोप्लेन चलता है, एंड मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ लैंड 399, लैंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन तो मोबाइल से बात करते हुए भी कम्युनिकेशन तो इतना होगा, लैंड कनेक्शन खड़ा नहीं होता है, लैंड डेवलपमेंट ये भी खड़ा नहीं होता है, लैंड ट्रांसपोर्ट ये खड़ा होता है, जमीन सतही ट्रांसपोर्ट जो है। तो क्या हो गया, फ्रॉम दिस क्रूड ऑयल वी गेट द वेरियस फ्यूल दैट ड्राइव्स, जो चलाता है शिप को चलाता है, एयरक्राफ्ट को चलाता है, एंड मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, एकदम सही जा रहा है। द क्वांटिटीज नीडेड आर 400, स्लाइट मॉडरेट माइन्यूट इमेंस, बहुत ज्यादा चाहिए होता है तो इमेंस ही होगा। The quantities needed are immense, so countries that have their own oil field are 401, wise, fortunate, good, civilized. तो क्या बोलता है, फिर से एक बार पढ़ के देख लेते हैं। The quantities needed are immense, क्या कि immense का चलिए अगर मेरे को अर्थ नहीं भी आता है तो भी हम देखते हैं स्लाइट का मतलब होता है कम, माइन्यूट का भी कम होता है, मॉडरेट का भी होता है कि बहुत ज्यादा नहीं, तो नेचुरली हम तो जानते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है भैया, तो क्वांटिटीज आर नीडेड आर इमेंस ही होगा। सो कंट्रीज, जो वो देश दैट हैव देयर ओन फील्ड्स ऑयल फील्ड, जिनके पास खुद की तेल की क्या कहते हैं कुआं है, फील्ड्स का मतलब कुआं हो गया यहाँ पे, आर 401, 401 क्या खुश नसीब ही होंगे ना, वाइज नहीं होगा, गुड भी नहीं होगा, सिविलाइज भी नहीं होगा, फॉर्चुनेट होगा, वो खुद नसीब हैं। द 402 द ऑफ ऑयल इन मेनी पार्ट्स ऑफ द मिडल ईस्ट, हाँ तो डिस्कवरी होगा, डिस्कवरी के छोड़ के क्या इन्वेंशन, इन्वेंशन तो नई चीज की खोज होता है, प्रिपरेशन भी नहीं है, क्रिएशन भी नहीं है, तो फिर क्या होगा, द डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन मेनी पार्ट्स ऑफ द मिडल ईस्ट हैज ब्रॉट ग्रेट, बहुत क्या है, क्या है 403 में फेम स्ट्रेंथ वेल्थ, पैसा लाया है, तेल बेच के पैसा कमा रहे हैं, वेल्थ टू द कंट्रीज दैट वेयर 50 इयर्स एगो वेरी, अभी पैसा कमा रहे हैं तो पहले क्या होगा, उल्टा ही होगा ना, वेरी पुअर, जो बहुत पहले गरीब थे तो अभी पैसा कमा रहे हैं वो लोग। नाउ ए डेज विदाउट पेट्रोलियम कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आर नॉट पॉसिबल या सक्सेसफुल, क्या कि फॉर्चुनेट भी नहीं होगा, रिलायबल भी नहीं होगा, पॉसिबल होगा का संभव नहीं था, सफलता नहीं ग्रहण करेगा, पॉसिबल ही हम देंगे, पॉसिबल कहीं ज्यादा मेरे को सही लग रहा है, इसमें पता नहीं है ये सही होगा कि नहीं होगा, तो भी हम जरा कोशिश करते हैं पॉसिबल, और
सक्सेसफुल नहीं होगा। सक्सेसफुल का मतलब होता है और भी बहुत सारे कारण चाहिए होते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। चलिए मैंने अब कर लिया, देखिए, पेट्रोलियम इज नेम ऑफ द मिनरल ऑयल दैट कम्स फ्रॉम अंडर द ग्राउंड एंड फ्रॉम द ऑयल वेल्स। फ्रॉम दिस क्रूड ऑयल वी गेट द वेरियस फ्यूल्स दैट ड्राइव ships, aircraft and many other form of land transport. The quantities needed are immense, so countries that have their own oil fields are fortunate. The discovery of oil in many parts of the Middle East has brought great wealth to countries that were 50 years ago very poor. Nowadays, without petroleum, commerce and industries are not possible. मेरे को लगता है तो यार पूरा का पूरा मार्क्स ले लिया। चलिए अब आपके भी हिस्से में कुछ आता है थोड़ा सा उसको भी पढ़ लें, फिर आपके लिए मैं क्या कहते हैं ऊपर वाले से करूंगा कि आप सही सही करें सब। आपको मैंने 431 से 440 का एक पैसेज दिया है क्लोज टेस्ट के लिए, जो आपका एलडीसी 2011 में आया हुआ था। काफ़ी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये शुरुआत करने के लिए थोड़ा सा सही है मेरे लिए हिसाब से लगता है, लेकिन तो भी इतना भी सिंपल नहीं है, थोड़ा सा संभल के पैर डालिएगा। और मतलब क्या है कि इसमें जो वो शब्द कम है जो शब्द का आप अर्थ नहीं जानते हैं, इसमें वही जनरल शब्द हैं जिस शब्द का आप हर हालत में अर्थ जानते हैं। ये शुरुआत के लिए सही होता है, फिर कुछ दिन के प्रैक्टिस में ये आपका तुरंत खड़ा हो जाता है। ओके देन, तो चलिए हमारा जो क्लोज टेस्ट का क्या नाम हुआ, 10 मेरे 10 आपके।